नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी झारखंड के खिलाड़ी के बारे में बताने वाला हूं, दो ऐसी खिलाड़ी के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने जो है झारखंड ही नहीं, जिला ही नहीं, राज्य ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है झारखंड को पहचान दिलाने की कोशिश की है। तो ऐसे खिलाड़ी को जो है से बहुत सारी आशाएँ भी होती है जो झारखंड कर रखा है। तो मैं बता दूँ कि आने वाला जुलाई में जो है ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक होने जा रहा है, उसमें इंडियन हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मैं बता दूँ उनका नाम निक्की प्रधान और सलीमा टेट्टे हैं। दोनों एक गांव से, एक खूंटी से, एक सिमडेगा से बिलोंग करती हैं, काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं, जिन्होंने काफ़ी मेहनत अपना संघर्ष के बल पर जो है यहाँ तक उपलब्धि प्राप्त की है। आशा है कि आगे भी जो है उपलब्धि जारी रहेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो है हॉकी का नाम झारखंड सहित देश का भी पूरा करेगी। बहुत सारी उम्मीदें जो है झारखंड लेके रखा है कि झारखंड की बेटी होने के नाते जो है वो ओलंपिक में अच्छा सा इंडिया टीम को गोल्ड ही नहीं, सिल्वर कम से कम मेडल जरूर दिलाएगी और लगातार अपना प्रयास करेगी, मेहनत करेगी। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दी, लाइक कर दी, शेयर कर दी, यदि नए होते तो बेल आइकन प्रेस कर ताकि प्रकार से नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए जानते हैं इस वीडियो में क्या है आज इसका इम्पोर्टेंट न्यूज। तो निक्की प्रधान और सलीमा टेट्टे हॉकी खिलाड़ी के चयन से गौरवान्वित हुआ झारखंड। झारखंड के दोनों खिलाड़ियों का राष्ट्रीय टीम में चयन से लेकर ओलंपिक तक पहुंचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि झारखंड के लिए गौरव का अवसर है, जिस वजह से राज्य के लोग काफ़ी खुश हैं। यह राज्य के लिए पहला अवसर है जब ओलंपिक के लिए हॉकी टीम में दो खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इस तरह इस बार दोनों ने इतिहास रच दिया है। तो मैंने बताया ना कि इतिहास बनाने वाली, इतिहास लिखने वाली, इतिहास रचने वाली महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, आप बोल सकते हो कि खिलाड़ी जो काफ़ी गरीब परिवार से, गांव से बिलोंग करके जो है अपने मेहनत के बल पर जो है उन्होंने अधिक मार्गदर्शन लोगों को दिया, प्रेरित किया और यही इसका असर हुआ कि दोनों खिलाड़ियों का जो है ओलंपिक में चयन हो चुका है। इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक, झारखंड के खूंटी और सिमडेगा के रहने वाले निक्की प्रधान और सलीमा टेट्टे टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल हो गई है। निक्की दूसरी बार ओलंपिक में चयन हुआ है। झारखंड की लड़कियां टोक्यो ओलंपिक में खेलने जाएंगी। खूंटी जिले के रहने वाले निक्की प्रधान और सिमडेगा के सलीमा टेट्टे का चयन भारतीय महिला टीम में चयन हुआ है। यह पहला मौका है जब झारखंड की दो हॉकी खिलाड़ी एक ही ओलंपिक में भाग लेंगी। हॉकी इंडिया ने जब आज 16 सदस्यीय महिला हॉकी टीम का घोषणा की है, कौन कौन खिलाड़ी है उसका अंदर बताया हुआ। इसमें झारखंड की निक्की प्रधान डिफेंडर, जबकि सलीमा का चयन मिस डिफील्डर के तौर पर किया गया है। इससे पहले पुरुष या महिला हॉकी टीम के सभी कभी भी झारखंड के दो खिलाड़ी भारतीय ओलंपिक टीम का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। तो आप कह सकते हो कि अभी अब देख रहे हो स्थिति कि झारखंड के खिलाड़ी लगातार जो है प्रयासरत है, बहुत मेहनत कर रहे हैं लगन से। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है, मैं आपको लगातार साझा कर रहा हूँ। चलिए आगे मैं आपको बता दूँ कि सलीमा टेट्टे का जीवनी। सलीमा टेट्टे, उनकी बहन जो कि झारखंड राज्य से खेलती हैं, उनकी बहन का नाम जो है महिमा टेट्टे हैं। उन्होंने भी जो है काफ़ी खुशी जाहिर की है और सलीमा को शुभकामनाएं दी। सलीमा टेट्टे सिमडेगा जिले के सदर प्रखंड के अंतर्गत एक छोटे से गांव बड़की छापर की रहने वाली है। उसके पिता सुलक्षण टेट्टे और माता सुभानी टेट्टे दोनों ही कृषक हैं। सलीमा के पिता भी अच्छे हॉकी खिलाड़ी हैं। आज भारतीय टीम में अपनी बेटी के चयन से वह काफ़ी खुश है। सलीमा ने भी अपने पिता के नक्शे कदम चल कर उनके मार्गदर्शन को लगातार हॉकी को लेकर बेहतर कर रही है। सलीमा बचपन से ही कहा कि मैं एक और अपने गांव में अव्वल रही हूँ। सलीमा काफ़ी प्रसिद्ध लड़कियों में से एक है, काफ़ी मेहनती है, जिसके बदौलत भी जो है उन्होंने इंडियन टीम पे अपना जगह बनाई है। ये सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी हुई है, काफ़ी प्रसिद्ध लड़की है। लगातार जो है वो मेहनत कर रही है, काफ़ी लंबे समय से 2013 से वो मेहनत कर रही है और 2013 से कंटिन्यू मेहनत करते हुए जो है ये यहाँ तक पहुँच पाई है। इंडियन टीम में इनका सिलेक्शन हुआ है।
लक्षण गांव की टीम ने सरीमा को सिमडेगा जिले के लट्ठा खमन हॉकी प्रतियोगिता में साल 2011 से लगातार खिलवाने ले जाते थे। वे यहीं पे उन्हें बेस्ट खिलाड़ी का भी पुरस्कार मिला। उसी प्रतियोगिता में सिमडेगा के मनोज बोन बेगी की नज़र सलीमा पर पड़ी। उसके पिता को सेंटर पर के लिए जो है ट्रायल देने के लिए कहा। नवंबर 2013 में उसका चयन आवासीय हॉकी सेंटर सिमडेगा के लिए हो गया। फिर उसी साल दिसंबर में अंतिम सप्ताह में सूचराची में आयोजित SGFI राष्ट्रीय विद्यालय हॉकी प्रतियोगिता के लिए भी जो है झारखंड टीम के लिए चुना गया। साल 2014 में हॉकी इंडिया द्वारा पुणे में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर महिला प्रतियोगिता में पहली बार झारखंड टीम से चुनी गई और टीम ने रजत पदक प्राप्त किया। तो देख सकते हैं कि उनका जीवन पूरा जो है उपलब्धियों से भरा था और खास ही बता दूँ कि संघर्ष भी भरा है। काफ़ी लंबे समय से वो मेहनत करते आ रही हैं, उसी का परिणाम है कि आज वो ओलंपिक में चुनी जा चुकी हैं। इससे पहले झारखंड के बहुत सारे खिलाड़ी जो है ओलंपिक में जा चुके हैं, खासकर के हॉकी में। लेकिन मैं बताऊँ कि देख सकते हैं ये तस्वीरें प्रधानमंत्री से मिलती जा रही हैं सलीमा। तो दो ओलंपिक की बात करूँ तो मैं निक्की प्रधान जो कि दूसरी महिला खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी जो है भारतीय हॉकी टीम में जगह बनाते ही निक्की प्रधान ने एक रिकॉर्ड बना दिया है। निक्की प्रधान झारखंड की सिर्फ दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने दो ओलंपिक खेलने का गौरव प्राप्त किया। इससे पहले का रिकॉर्ड तीरंदाज दीपिका के नाम था, जो इस बार तीसरी बार ओलंपिक का हिस्सा बनेंगी। आप बोल नहीं सकते कि झारखंड में जो है हुनर और खिलाड़ियों की कमी नहीं है, बशर्ते उसको तराशने की ज़रूरत है और झारखंड सरकार को जो है नए नए ऐसी प्लेटफॉर्म देनी चाहिए ताकि झारखंड खिलाड़ियों को आगे बढ़ सके। उन्हें आर्थिक मदद देनी चाहिए, उनको हर तरह से सुविधाएँ देनी चाहिए ताकि वो आगे जो है बढ़ सके, झारखंड का नाम रोशन कर सके, देश का नाम रोशन कर सके। तो ये बहुत ही जो है एक बोल सकते हो एक जॉयटिक मोमेंट, सुनहरा पल है हम सभी के लिए जो कि आप देख रहे हो गए, क्योंकि ये ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक जो निर्णय, ऐतिहासिक जो खिलाड़ी जो बनकर उभरे हैं झारखंड के लिए, वो कहीं ना कहीं जो है झारखंड की माटी से जुड़े हुए हैं और झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो गर्व की बात होनी ही चाहिए। तो चलिए निक्की प्रधान से जुड़ी बात बता दूँ कि मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा की धरती से एक और खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल लाने को तैयार है। खूंटी जिले के महू प्रखंड अंतर्गत तहसील गांव की निवासी निक्की प्रधान का चयन 2 की ओलंपिक में हुआ है। निक्की लगातार दूसरी बार ओलंपिक खेलने जाएंगी। उनके चयन से जिले में काफ़ी जिलेवासी खुश हैं। निक्की के ओलंपिक के लिए चयन होने पर उनके माता पिता ने भी खुशी जाहिर की है। पिता शर्मा प्रधान और माता जितनी देवी को उम्मीद है कि इस बार ओलंपिक में देश का मेडल जरूर दिलाएंगी और झारखंड का नाम बढ़ाएंगी। निक्की की प्रारंभिक शिक्षा राजकीय मध्य विद्यालय पेलोल में हुआ, उसके बाद 8वीं से लेकर इंटर तक की पढ़ाई राजकीय उच्च विद्यालय बरियाती में पूरी की। इसके बाद वह खेल में ही रम गई। निजी प्रधान ने स्कूल में 2002 में हॉकी खेलना शुरू किया था। खुटी के हॉकी कोच दशरथ महतो ने उसे हॉकी का प्रशिक्षण देना शुरू किया। लगातार 2011 तक वह प्रशिक्षण देती लेती रही और 2011 में निक्की नेशनल गेम खेली। 2012 में बैंकॉक में हुए एशिया के कप में शामिल भी हुई है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो है मैंने उनके जीवनी पर भी जो है फोकस करने की कोशिश की कि किस तरह से जो है वो आगे बढ़ी और आखिरकार जो है इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। चलिए बता दें कि झारखंड में हॉकी का स्वर्णिम इतिहास रहा है। 1928 में ओलंपिक में जयपाल सिंह मुंडा ने नेतृत्व में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया था। वहीं 1972 में माइकल कीडो और 1980 में सिल्वानुस डुगडुंग ने ओलंपिक में भारत की टीम के सदस्य रहे। 1984 में मनोहर टोप्पो और 1994 में अजीत लकड़ा को भी जो है ओलंपिक में खेलने का मौका मिला। इसके बाद 24 साल तक झारखंड के किसी भी खिलाड़ी का ओलंपिक में प्रतिनिधित्व नहीं रहा। वर्ष 2016 में निक्की प्रधान ने ओलंपिक में भारतीय टीम के सदस्य के रूप में शामिल रही और अब टोक्यो ओलंपिक में निक्की प्रधान के साथ सलीमा टेटी भी हॉकी टीम के सदस्य के रूप में जो है देश के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने को तैयार है। जल्द जो है वो उसके लिए प्रशिक्षण पूरे करने जा रही है, एक प्रैक्टिस भी जो है उनका होगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसी लड़कियों को बढ़ावा देना बिल्कुल ज़रूरी है, खासकर एज ए प्लेयर, क्योंकि एक अच्छा जो है रोजगार का अवसर उपलब्ध हो सकता है। सभी को जरूरत है बड़े पैमाने पर स्थानीय स्तर पर जो है बड़े बड़े खेल आयोजन करवाए।
ताकि लोग जो है वर्चुअल का हिस्सा ले सकें और जो है ये हॉकी को बढ़ावा देने में झारखंड में जो है का योगदान होना चाहिए। झारखंड सरकार लगातार प्रयासरत है कि हॉकी को बढ़ावा दिया जाए, हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। चलिए ओलंपिक के लिए जो चयनित भारतीय महिला हॉकी का जो स्क्वाड गोलकीपर है उनसे जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारी है। उनका बता दूँ कि गोलकीपर संहिता डिफेंडर दीप ग्रेस एक्का, निकी प्रधान झारखंड, गुरजीत कौर रीता, मिसफील्डर निशा नेहा, सुशील चानू, पुखरा बम मोनिका, नवजोत कौर, सलीमा टेटे, फॉरवर्ड रानी नवजीत कौरी, लेमसी आमदीप, वंदना वटारिया, शर्मिला देवी आदि शामिल हैं। तो कहा जाए तो कुल मिलाकर 20 से 22 के आसपास यही चयन किया गया है, जिसमें निकी प्रधान और सलीमा टेटे को भी चुना गया है। तो ये इंडियन टीम के जो भी खिलाड़ी हैं जुड़े हुए हैं उनसे जुड़ा हुआ ये जानकारी मैंने जो आपके साथ साझा किया है। चलिए इसी क्षण से आप सभी से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास के साथ मैं नए वीडियो के साथ मैं नए जोश के साथ आप सभी से फिर मिलूँगा। तो ये झारखंड की बेटी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी मैंने दी, उनके जीवनी पर फोकस डालने की कोशिश की, किस तरह से जो अपने जीवन पूरा कर रही हैं। चलिए इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर मिलूँगा। तब तक नमस्कार सब, आपके जाते आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।